सबसे पहली बात, क्योंकि जब पानी की सप्लाई में कमी है तो पानी की सप्लाई की कमी के इलाकों में वाटर टैंकर्स भेजे जाते हैं। हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में सेटअप कर रहे हैं। ये जो वॉर रूम है ये एक सीनियर आईएएस अफसर द्वारा हेडेड होगा, एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। जो भी दिल्ली वासी हैं जो चाहते हैं कि उनको वाटर टैंकर चाहिए वो 1916 पर कॉल करें। 1916 से उनकी ये रिक्वेस्ट हमारे वाटर टैंकर के वॉर रूम में जाएगी और वहां से जहां जहां पे भी पानी की सप्लाई की कमी है वहां पे वाटर टैंकर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 5 तारीख से, क्योंकि अभी सारे एडीएम्स एसडीएम्स चुनाव की काउंटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन 5 तारीख से दिल्ली के हर वाटर जोन में, दिल्ली में 11 वाटर जोन्स हैं, वाटर डिपार्टमेंट के जोन्स पर एक एडीएम लेवल ऑफिसर और एक एसडीएम लेवल ऑफिसर स्टेशन किया जाएगा। वो क्विक रिस्पांस टीम्स बनाएंगे कि जहां जहां पे भी पानी के कमी के हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे ये एडीएम्स एसडीएम्स उनके साथ उनकी तहसीलदार की टीम पूरी अवेलेबल होगी ग्राउंड पे टैंकर्स पहुंचाने में पानी की समस्या का समाधान करने। तीसरा, जहां जहां पर भी दिल्ली में बोरवेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है एक दिल्ली जल बोर्ड की स्पेशल उनके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की टीम्स बनाई जा रही हैं जो राउंड द क्लॉक कोई भी बोरवेल खराब ना हो, कोई भी बोरवेल डिसफंक्शनल ना हो उस पर काम करेगी। जैसा हमने कल भी अनाउंस किया था, हम दिल्ली जल बोर्ड की 200 इन्फोर्समेंट टीम्स बना रहे हैं जो वाटर वेस्टेज को चेक करेंगे। इन इन्फोर्समेंट टीम्स को भी हेड करने के लिए एक सीनियर आईएएस अफसर को लगाया जा रहा है जो पूरी दिल्ली में इन 200 इन्फोर्समेंट टीम्स, इनके द्वारा काटे जा रहे चालान एक्सेट्रा को